उससे मैं 5 मिनट और करूंगा उस पर चर्चा, मैक्सिमा और मिनिमा पे। एक पॉइंट एक्चुअल टाइम नहीं था या हम शायद भूल गए थे बताना, वो मैं चाहता हूँ फिर से बताना। मैक्सिमा एंड मिनिमा में हमने तुमको कहा था कि अगर तुमको किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना हो, जैसे मान लो कि मेरा ये वाई था और वाई एक्स का फंक्शन था, और मैंने तुमको ग्राफ कुछ ग्राफ जो बनाया था वो मैंने ग्राफ ऐसा बनाया था, और मैंने कहा था कि इस पॉइंट के लिए उसका वैल्यू ऑफ वाई क्या था, उसका मिनिमम था वाई, और इस पॉइंट पे उसका वाई मैक्सिमम था, और हमने कहा था कि एट मिनिमम एंड एट मैक्सिमम वैल्यू हर जगह उसका क्या था, उसका स्लोप 0 आ रहा था, टेंजेंट का स्लोप आ रहा था 0, या हमने उसका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट किया था 0। ये लास्ट क्लास में हमने सीखा था, और हमने कहा था कि पहले तुम पुट करना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, वहां से तुमको एक्स का कुछ वैल्यूज मिलेगा, और फिर उसके बाद तुम फाइंड करना डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन, वहां पे फिर ए एक्स का वैल्यू पुट करना, अगर वो लेस देन 0 आ गया तो वहां पे हमको मिलता है मैक्सिमम वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो वहां पे हमको मिलता है मिनिमम वैल्यू। वहां पे मैंने एक बात तुमको बताना, मतलब मैं भूल गया था कि वो जो मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू जो हम लोग फाइंड किया था ना, वो एक्चुअल में हम लोग फाइंड करते हैं लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। देखो किसी भी फंक्शन का हम जब मैक्सिमा और मिनिमा का बात करते हैं तो वहां पे एक मराता है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, और एक मराता है ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए उसका पूरा जितना भी उसका डोमेन था, जो जो उसका एक्स का वैल्यू हो सकता है, उन सब में से जो उसका सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगा वो होता है ग्लोबल मैक्सिमम। जैसे कि मान लो कि ये मेरा, हमने तुमको फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा शो किया था, हो सकता है कि मेरा ग्राफ ये यहाँ से जाता, यहाँ से उठता, और फिर ये और यहाँ से राइज करता चला जाता, मतलब इसके बाद वो राइज ही करते जाता, तो वो जितना ज्यादा एक्स का वैल्यू जाएगा उसका वाई का वैल्यू और उतना होते जाएगा। और मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन भी लिया था, मैं उसी जो वो जो क्वेश्चन था मैं वहीं से समझाता हूँ तुमको। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² + 6, और मैंने कहा था तुमसे कि तुम इसका फाइंड करो वैल्यू ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो हमने जब फाइंड किया था तो मेरे को दो पॉइंट मिला था एक्चुअली में, जब हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया था तो हमको मिला था 3x² - 6x, और इसको जब मैंने पुट किया था 0 तो वहां से एक्स का वैल्यू एक आया था 0, और एक और एक्स का वैल्यू आया था 2, मतलब 0 और 2 पे या तो किसी एक पे हमको मिलने वाला है मैक्सिमा और किसी एक पे हमको मिलने वाला है मिनिमम, वो हमको पता नहीं है किससे मिलता है, तो हम लोग फिर फाइंड करते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। और हमने जब वो चेक किया तो हमने कहा था कि एक्स इक्वल टू 0 पे आपको मिल रहा है मैक्सिमम वाई मैक्सिमम, और एक्स इक्वल टू 2 पे आपको मिल रहा है वाई मिनिमम, और मैंने जब इसका वैल्यू फाइंड किया था तो वाई मैक्स का वैल्यू आया था 6 और वाई मिन का वैल्यू आया था 2, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन किया था। ओके अब तुम एक बार अगर चेक करो तो वाई मैक्स हमने बोला 0 पे 6 और वाई मीन मैंने बोला कि 2 पे, आपका 2 आया है। अगर तुम इस फंक्शन में एक्स इक्वल टू 5 पुट कर दो यहाँ पे, तो तुम देखना कि उसका वैल्यू 6 से ज्यादा आ जाएगा। हमने हालांकि फाइंड किया था कि उसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 6, लेकिन हम जैसे ही एक्स का वैल्यू 5 करेंगे पुट, उसका वैल्यू देखो तो 5 का क्यूब अप हो जाएगा 125 - 25 × 3 = 75 + 6, इसका वैल्यू पक्का 6 से आने वाला है, इसका वैल्यू पक्का 6 से आने वाला है ज्यादा, मतलब इस वाई का वैल्यू 5 के लिए हमने जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया था 6, उससे भी ज्यादा है ना। तो ये जो हमने एक्स इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम फाइंड किया था, एक्चुअल में वो आपका लोकल मैक्सिमा है, वो आपका लोकल मैक्सिमा है। लोकल का मतलब ये होता है कि हमने हम जिस पॉइंट, ये देखो अपने पास दो पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2, तो इस दो पॉइंट के लोकेलिटी में, इस दो पॉइंट के आसपास में, इस 0 पे और 2 पे, इनके लोकेलिटी मतलब इनके बीच में 0 से लेके 2 के बीच में मेरा जो वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू था वो था आपका, वो जो मेरा फंक्शन था वहां पे आपका मैक्सिमम आया था एक्स इक्वल टू 0 पे और मिनिमम आया था एक्स इक्वल टू 2 पे। लेकिन हमने जो ग्राफ लिया है, देखो जैसे हमने जो ये जो ग्राफ लिया है, मान लो कि यहाँ पे था एक्स बराबर 2 और यहाँ पे था एक्स इक्वल टू 5, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 2 पे हमको मिला है लोकल मिनिमम और एक्स इक्वल टू 5 पे हमको मिला है लोकल
मैक्सिमा। लेकिन देखो तो ये ग्राफ फिर से यहाँ से क्या हो रहा है, ये ग्राफ और भी राइज किया, ये और भी ऊपर गया। मतलब कि अगर हम यहाँ बात करें इधर कहीं पे, तो आपका वैल्यू वाई का जो 5 पे आने वाला है उससे ज्यादा है। तो हम बस समझाना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से जो हम लोग डीवाई बाई डी एक्स 0 पुट करके जो हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं लोकैलिटी में, किसी एक पर्टिकुलर रेंज में। वो आपको फंक्शन का हमेशा वाला जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको नहीं देगा। आप अगर ध्यान से देखो तो इस फंक्शन में हम अगर 100 जहाँ पे एक्स है वहां करें पुट 100, तो हमको वैल्यू और मिलेगा ज्यादा, है ना। तो हमको एक्स इक्वल टू जो 0 पे मिला था वो मेरा ग्लोबल मैक्सिमा नहीं था, वो था लोकल मैक्सिमा। लेकिन इन फिजिक्स में मेरा देखो हमको करना है यूज फिजिक्स वाले टर्म में, तो फिजिक्स वाले टर्म में हम लोग जब ये मेथड यूज करके ये dy बाई डी एक्स करके 0 एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करके पॉजिटिव या निगेटिव, इससे मेरा काम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ तक तो सीमित रहते हैं। मतलब फिजिक्स वाले चैप्टर में जहाँ पे हमको मैक्सिमा फाइंड करना होगा वहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स करेंगे, पुट करेंगे 0 और उसका डबल करेंगे डिफ्रेंसिएशन, और उसका वैल्यू अगर माइनस में आ गया तो हमको वहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा। तो उससे मेरा काम चल जाएगा, फिजिक्स वाले कंसेप्ट में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से मेरा काम चल जाएगा। इसीलिए हम अपना कंसेप्ट यहीं तक सीमित रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्स इक्वल टू टू पे ही फंक्शन का सबसे ज्यादा वैल्यू था, वो उसका लोकल मिनिमम था। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर बोलते कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द रेंज ऑफ 0 to 2, तो ये क्वेश्चन आपका और ज्यादा सही होता कि हमको 0 से 2 में फाइंड करना था मिनिमा एंड मैक्सिमा, तो 0 पे था मैक्सिमा और 2 पे था मिनिमम। अब इस 0 से 2 में आप कुछ भी ले लो वैल्यू एक्स का, तो उसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा 0 पे ही और मिनिमम आएगा 2 पे ही। लेकिन जैसे ही आप 2 से जाओगे आगे, हो सकता है कि आपका वाई का वैल्यू और ज्यादा हो जाए। अब जैसे ही आओगे 0 से कम, हो सकता है कि आपका वाई का वैल्यू और कम हो जाए। क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपको 1 भी लेना है, आपको 3 भी लेना है। और ये मेरा क्वेश्चन हुआ कि वाई दिया है फंक्शन ऑफ एक्स एक्स क्यू माइनस 12x+10 100, आपको फाइंड करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा का वैल्यू 1 से 3 में क्लोज इंटरवल। तो देखो फिर से हमको इंटरवल दिया हुआ है, मतलब कि मेरे को फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, इन 1 और 3 के बीच में कहाँ आने वाला है मैक्सिमम, कहाँ आने वाला है मिनिमम। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फाइंड डीवाई बाई डी एक्स। तो हम फाइंड करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स क्यू माइनस 12x+100, इसका आने वाला है डिफ्रेंसिएशन 3x² - 12। 100 था कॉन्स्टेंट तो उसका हो जाएगा 0। अब मैंने आपसे बोला था कि आप इसका वैल्यू करो पुट 0, तो आपको करना होता है पुट डीवाई बाई डी एक्स 0। तो हम जब यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू 0 पुट करेंगे, हाँ तो कितना आएगा देखो, तो यहाँ से आ जाएगा 3x² - 12=0। यहाँ से आ जाएगा x² = 4। देखो तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा +-2, यहां से x का वैल्यू आने वाला है +-2, है ना। और हमको जो रेंज लेना है वो आपको लेना है ओनली 1 से 3 के बीच में, आपको लेना है 1 से 3 के बीच में। और 1 से 3 के बीच में आप देखो तो जहां पे dy बाई डी एक्स 0 है वो हमको क्या मिल रहा है, वो हमको सिर्फ मिल रहा है +2। मतलब हमको चेक करना होगा ओनली x बराबर +2 पे। अब या तो +2 पे हो सकता है मैक्सिमा या तो हो सकता है मिनिमम, हमको पता नहीं है। तो अब हम फाइंड करते हैं डबल डिफ्रेंसिएशन, तो हमने फाइंड किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वो आपका कितना आएगा देखो, ये आपका आ जाएगा 6x, ये आपका आ जाएगा 6x। और अब जहाँ पे x था वहाँ करो पुट +2, तो x बराबर +2 मैंने पुट किया, तो ये आपका आ जाएगा देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका आने वाला है +12। तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मतलब कि x बराबर +2 पे आपको मिलने वाला है मिनिमम वैल्यू, x बराबर +2 पे आपको मिलने वाला है मिनिमम वैल्यू। तो आप यहाँ पुट कर दो वाई मिनिमम, y मिनिमम, तो कितना आएगा, जहां पे x था, जहां पे x है आप वहां पे करो पुट +2, तो मैंने किया तो +2^3 - 12 × 2+100, तो ये आपका आ जाएगा 8 - 24 + 100। इसका वैल्यू आप कितना आएगा देखो, तो 76 + 76 + 8 84 आ रहा है ना, 84। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज 84, मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई इज 84, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया कि मिनिमम आ रहा है तुम्हारा वैल्यू ऑफ वाई 84, और वो आ रहा है तुम्हारा एक्स बराबर +2 पे। एक्स बराबर -2 पे
अपना कुछ वैल्यू आ सकता था वो वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा, लेकिन हमको क्वेश्चन में दिया था ओनली इंटरवल 1 to 3। अच्छा ये होगा ना कि आप इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझने के लिए आप यहाँ पे ये जो इंटरवल है आप कर लो इसको -2 से 3, और अच्छा हो जाएगा। -2 से 3 कर लो आप इसको, कि -2 से 3 में कहाँ पे आपका आने वाला है मैक्सिमा और कहाँ पे आने वाला है मिनिमा। तो हमने देखा कि जब x=+2 था तो वहां पे आया था मिनिमा। अब चेक करते हैं एक बार x=-2 पे, तो हमने फाइंड किया डबल डिफरेंशिएशन d²y/dx², तो कितना आएगा देखो, तो वो आपका आ जाएगा कितना, वो आपका आ जाएगा 6x, वही तो था 6x ही था x=-2 पे, तो ये आपका आने वाला है -12, तो ये आपका आने वाला है <0>। मतलब कि आपको x=-2 पे मिलने वाला है मैक्सिमम वैल्यू, x=-2 पे मिलने वाला है मैक्सिमम वैल्यू, तो फाइंड कर लो y मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा -2 का पावर 3 -12 × -2 + 100, तो ये आपका आ जाएगा -8 + 24 + 100, तो आपका आ जाएगा 124 - 8, तो ये आ जाएगा 116, तो ये आपका आ गया मैक्सिमम वैल्यू। मतलब उस -2 से लेके 3 में, उस -2 से लेके 3 में आपका x=+2 पे था उसका वैल्यू मिनिमम 84, और x=-2 पे उसका वैल्यू है मैक्सिमम 116। तो ये आंसर हो गया, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन। क्लास 12 के मैथमेटिक्स में बहुत ही ह्यूज सेक्शन है, मतलब कि मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो इंटीग्रेशन ही है। तो तुम लोग मैथ में इसको बहुत ज़्यादा पढ़ना है क्लास 12 में, कैलकुलस सेक्शन में। लेकिन फिलहाल मैं अपना जितना काम हो जाएगा उतना ही से मैं अपना बताऊंगा। देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आगे समझाऊंगा, इसे यूजफुल हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सीखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x² डिफरेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x = 2x आया था ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x = 2x। और अगर इंटीग्रेशन जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, हम जब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको 2x² मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पे एक थोड़ा सिंपल सा और बात क्या है कि मेरे पास फंक्शन था x², तो हमने उसका किया है डिफरेंशिएशन, तो हमको मिला है 2x। हम अगर फंक्शन ले ले x²+2, हम अगर फंक्शन ले ले x²+2, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 2x ही आता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x² = 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ x²+2 also is 2x, और हमने बोला है कि ये जो इंटीग्रेशन वाला है प्रोसेस वो होता है रिवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको x²+2 मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आ गया लफड़ा। इससे पहले वाले केस में हमने कहा था कि जब मैं 2x का करूंगा इंटीग्रेशन तो हमको मिलना चाहिए x², यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं 2x का करूंगा इंटीग्रेशन तो हमको मिलना चाहिए x²+2। तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा वाली बात आ गई कि ये आखिर कैसे हो सकता है कि आपने एक बार जब सेम चीज का किया है इंटीग्रेशन तो आया है x², आपने जब सेम चीज का किया है तो आपका आ गया है x²+2। तो इसके लिए देखो हम लोग जब भी, या हम लोग अगर कभी भी किसी चीज का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, हम लोग मान लो कि किसी चीज का, जैसे मान लो कि हमको फाइंड करना था इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो हमको फाइंड करना था इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो हो सकता है कि इसका इंटीग्रेशन ऑफ 2x आपका x²+2 भी आ सकता है या आपका x² भी आ सकता है, हम श्योर नहीं है। इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हमने जस्ट सीखा क्या, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने x² का किया है डिफरेंशिएशन तो हमको मिला है 2x, तो जब हम 2x का करेंगे इंटीग्रेशन तो हमको मिलना चाहिए x². फिर से हमने जब x²+2 का किया है डिफरेंशिएशन तो हमको फिर से मिला 2x, और जब हमको 2x का करना चाहिए इंटीग्रेशन तो हमको मिलना चाहिए x²+2। मतलब सेम चीज का हमने जब किया है इंटीग्रेशन तो हमको दो अलग अलग वैल्यू मिल रहा है।
तो इसको ठीक करने के लिए कि कब मेरे को क्या वैल्यू लिखना है, देखो हम लोग करते क्या है, इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि जब हम इस 2x का, जब हम इस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप ठीक बोल रहे हो, आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा। आप जब 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एक टर्म एक्स स्क्वायर मिलने वाला है, लेकिन इसके साथ में आप एक कांस्टेंट और ऐड कर दो, आप इसके साथ में एक कांस्टेंट और ऐड कर दो। मतलब जब जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमको जो वैल्यू मिलता है उसके साथ में हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। मतलब कि हम अगर हमको करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x, तो हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x, उसके लिए मैं तुमको एक फॉर्मूला दूंगा, और साथ में हम एक कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। अब ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू करता है डिपेंड कि मेरा इक्वेशन का कंडीशन क्या था, इक्वेशन का कंडीशन क्या था। हो सकता है कि इस कांस्टेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, जो कि आपका हुआ था इन फर्स्ट केस में। देखो इन फर्स्ट केस में जब कांस्टेंट हो जाएगा 0, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज ओनली एक्स स्क्वायर। इन सेकेंड केस कांस्टेंट का वैल्यू 2 था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x इज एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर से बोल रहा हूं, मैंने बोला कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको मिला है 2x। जब आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया है तब आपको मिला है 2x। अब आप जब इस 2x का इंटीग्रेशन करोगे, जब आप इस 2x का इंटीग्रेशन करोगे, तो आपको यही फंक्शन मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का आप करो डिफरेंशिएशन तो आपको कुछ नया फंक्शन मिलेगा, अब आप उसका इंटीग्रेशन कर दो तो आपको वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो नया फंक्शन, न्यू फंक्शन का इंटीग्रेशन तो वापस वही फंक्शन। ये तुम यहां तक ठीक है? हमने क्या बोला कि अगर हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो हमको मिला है 2x, हम अगर वापस 2x का इंटीग्रेशन कर दें तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है, फंक्शन डिफरेंशिएशन, इस डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, फिर से फंक्शन, समझा? ये ऐसे ओके। अब देखो हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, ये आएगा 2x, पक्का 2x आएगा। तो y का डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको मिला है 2x, तो अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलना चाहिए वापस ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ठीक है ओके। मान लो हमने इस बार दिया है फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, हमने इसका किया डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो ये फिर से आ गया 2x, ये आपका फिर से आ गया है 2x। अब हम 2x का इंटीग्रेशन करें तो मेरे को फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलना चाहिए, क्योंकि हमने जस्ट सीखा है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फंक्शन को करो डिफरेंशिएट तो एक नया फंक्शन, उस नए फंक्शन को करो इंटीग्रेट तो फिर से पहला वाला फंक्शन। ओके अब देखो यहां पहले केस में हमने जब 2x का किया इंटीग्रेशन तब तो हमको मिला एक्स स्क्वायर, सेकेंड केस में जब हमने 2x का किया है इंटीग्रेशन तो हमको मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 2। मतलब सेम फंक्शन का हमने जब इंटीग्रेशन किया है तो हमको दो अलग अलग फंक्शन मिले हैं, हमको दो अलग अलग फंक्शन मिले हैं। और तुम ध्यान से देखो तो इस दो अलग अलग फंक्शन में बस अंतर ये है ना कि इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड किया हुआ है और इसमें इस कांस्टेंट वैल्यू का देखो वैल्यू 0 है आपका, सिंपल सी कहानी है। जो एक्स वाला वैल्यू है वो यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, वो यहाँ भी है एक्स स्क्वायर। बस हमने किया क्या है कि इस एक्स स्क्वायर वाले ये जो वैल्यू था उसमें हमने बस एक कॉन्स्टेंट को ऐड कर दिया है, बस हमने एक कॉन्स्टेंट को ऐड कर दिया है। तो वही हमने बोला कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप फॉर्मूला यूज करना, और उस फॉर्मूले से जो भी आपका वैल्यू आएगा उसमें बस आप एक कांस्टेंट और ऐड कर देना। अब बस हाँ, तुमको और ऐड करना, अब वो आपका, अब वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा वो करता है डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंडीशन ऑफ द फंक्शन। इनिशियल कंडीशन का मतलब ये हुआ कि अगर एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 0 था तो मेरा सी का वैल्यू भी, उस कांस्टेंट का वैल्यू भी आना वाला आएगा 0। तो देखो जो यहाँ पे आएगा, जब x इक्वल टू 0 तो आपका y मिलना चाहिए 0,
अगर जब एक्स का वैल्यू था 0 तो वाई का वैल्यू हमको चाहिए 2, तो मेरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होना चाहिए था, क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू करेंगे पुट 0 तो हमको वाई का वैल्यू 2 मिलना चाहिए। समझा? वही हमने बोला कि ये जो कॉन्स्टेंट का वैल्यू है वो करता है डिपेंड आपका इनिशियल कंडीशन ऑफ द फंक्शन। समझा कि नहीं समझा? हाँ, मतलब कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो जो भी फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे साथ में एक कांस्टेंट बस ऐड कर देंगे, बस सी ऐसे लिख देना, सी इज द कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वो आपका इनिशियल कंडीशन, और जो कि जो मेरा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का तो वहां पे कुछ ऐसा आएगा कि एट टी इक्वल टू 0 बॉडी वाज एट रेस्ट, तो हमको वहां से मिल गया कंडीशन कि जब वैल्यू टी इक्वल टू 0 करेंगे पुट तो हमको स्पीड 0 मिलना चाहिए था, तो वहां हमको वो कॉन्स्टेंट मिल जाता है। समझा? या ठीक है ना? ओके ओके चलो। एक्चुअल में ये जो इंटीग्रेशन का होता है प्रोसेस एक काफी लेंदी होता है, लेकिन मैं तुमको सिर्फ आसान वाला ही बता रहा हूँ जिससे अपना काम हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ, अच्छा सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, सिंबल इसे कैसे यूज करते हैं। देखो हमने सीखा है कि इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लोग जब इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग यहाँ बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसका वैल्यू आता है 2x, तो यहाँ हम लोग बोलते हैं कि ये इसका हमने डिफरेंशिएशन किया है। अब इसी को हम लोग देखो तो लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू 2x डी एक्स, इसी को हम लिख सकते हैं डी वाई इक्वल टू 2x डी एक्स। अब ये तुम्हारा हो गया है इन इंटीग्रल फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं इन इंटीग्रल फॉर्म। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, और इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा ये होता है तुम्हारा साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा। तो जहां भी तुमको कुछ फंक्शन है तुमको ऐसा दिखे कि डी वाई बराबर 2x dx, मतलब कि हमको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, आप यहाँ पे साइन कर देना है, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, दिस ये होता है दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके चलो अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूला। अब देखो मैंने फिर से मान के रखा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, अगर y x का फंक्शन है तभी हम लोग y को x के मतलब जहां पे dx रहेगा आपका, तो आप y को इंटीग्रेट कर पाओगे x को लेके, y आपका x का फंक्शन होगा। तो अगर यहाँ पे y आपका x का फंक्शन है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, या आप इसको देखो एफ एक्स डीएक्स भी लिख सकते हो। अगर ये जो मेरा y था, अगर t का फंक्शन होता, इफ y इज द फंक्शन ऑफ t, तब हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dt, या लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, जिसका फंक्शन है आप उसी का यहाँ पे लिखना इंटीग्रल फॉर्म, x का है तो dx, t का था तो dt। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर मेरा y था फंक्शन ऑफ t, y इक्वल टू टी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर डी टी। तो ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं इंटीग्रल फॉर्म में। ओके चलो अब देखते हैं फॉर्मूला जी, इसमें हमने तुमको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया अभी, अब बताते हैं फॉर्मूला। नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, तुमको अगर खाली कहीं ऐसा मिल जाए खाली डीएक्स, इसके साथ में कुछ नहीं है, तो इसका होता है इंटीग्रेशन एक्स एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट, जो मैंने तुमको बोला था कि आपको कॉन्स्टेंट ऐड करते जाना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज एक्स एंड प्लस, आप यहाँ पे ऐड करो कॉन्स्टेंट। नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, देखो टू इंटू डीएक्स, अच्छा आप इसको यहाँ सी लिख दो, सी नहीं आप के लिख दो, क्योंकि सी से मैं एक और कॉन्स्टेंट लिखूंगा, तो आप लिखो यहाँ पे के इंटू डीएक्स, के इज अ कॉन्स्टेंट, के इज अ कॉन्स्टेंट। तो अगर आपका कॉन्स्टेंट के था तो आप उसको ले लो बाहर इंटीग्रेशन से, जैसा हमने किया था इन द केस ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड फिर आप कर लो डीएक्स, एंड हमने अभी जस्ट सीखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज एक्स प्लस टी, तो ये आपका हो जाएगा के एक्स प्लस टी। अच्छा देखो यहाँ पे एक बात, तुम लोग यहाँ पे के इंटू होल एक्स प्लस सी मत करना, फिर तुम्हारा हो जाए गलती, तुम्हारा फॉर्मूला से जो भी इंटीग्रेशन आता है उसके बाद तुमको कॉन्स्टेंट ऐड करना है। देखो तुमको कांस्टेंट एकदम बाद में ऐड करना है, जो सारा का सारा जब मेरा फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे उसके बाद आपको कांस्टेंट ऐड करना है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे के इंटू एक्स प्लस सी मत करना, पहले आप करना, हमने यहाँ पे लिख दिया के इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, तो मेरा इंटीग्रेशन मिल गया के एक्स, उसके बाद मैंने कॉन्स्टेंट ऐड किया, तो
जो भी मेरा जब सारा टर्म्स मिल जाएगा उसके बाद मैं कॉन्स्टेंट ऐड करूंगा, तो केक्स प्लस टी। ओके, सिमिलरली मान लो कि अगर आपका जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपका टी भी आ सकता है, अगर होता सिर्फ ऐसा डी टी तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी प्लस सी, आपका सिर्फ होता डी वाई तो लेते इसका वाई प्लस सी, आपको एक्स हो सकता है, टी हो सकता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बात और, इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस कांस्टेंट सी का वैल्यू नहीं पता है, हमको इस कांस्टेंट सी का वैल्यू पता नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ओके चलो, तो ये हमने सीखा दो फॉर्मूला, अगर चित्र है डीएक्स तो एक्स प्लस सी, के इंटू डीएक्स। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर ऐसा है वाई इक्वल टू टू, मेरा फंक्शन है वाई इक्वल टू टी टू और हमको इसका करना है इंटीग्रेशन, तो हम लिखेंगे टू इंटू डी एक्स, टू इंटू डी एक्स, तो टू आपका हो गया कॉन्स्टेंट तो हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हमने सीखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स एंड प्लस आप यहाँ पे ऐड कर दो कॉन्स्टेंट हो गया, तो टू एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर मान लो रहा मेरा ऐसा कि वाई इक्वल टू टू ही था, कॉन्स्टेंट ही आपका, तो आप इसको टू इंटू डी टी भी आप इसको कर सकते हो, टू फिर से कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी तो टू इंटू टी प्लस सी, कोई चाप वाली बात नहीं थी, आप ऐसे सिंपली कर सकते हो। एक्चुअल में जो हम लोग फिजिक्स में क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो वहाँ पे मेनली आपका टी का फंक्शन ही आता है, इसलिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि एक्स के बदले मैं टी में लिख के शो करता जाऊँ, क्योंकि आगे अपना टी के टाइम के रिस्पेक्ट में हमको मेनली पढ़ना होता है। एक्चुअल में जो आपका पहले जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होंगे वहाँ पे आपका टाइम ही आएगा, आगे और भी आता है आपका एक्स भी आता है लेकिन मेनली टाइम आएगा। ओके, तो ये हुआ फॉर्मूला नंबर दो, फॉर्मूला नंबर एक, फॉर्मूला नंबर दो, फॉर्मूला नंबर तीन और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर एन डी एक्स, एक्स का पावर एन डी एक्स। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पे आपको डी एक्स ही लेना पड़ेगा, अगर आपका होता वेरिएबल टी तो यहाँ पे लेते हैं हम डी टी, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आएगा, बस जहाँ पे एक्स है वहाँ पे यहाँ पे टी हो जाएगा। तो इसका होता है फॉर्मूला एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट, तो आप ऐड करोगे ही, और ये तभी वैलिड है जब आपका एन का वैल्यू माइनस वन के बराबर ना हो। मतलब ये फॉर्मूला एक्स का पावर एन डी एक्स, इस ये एन के हर वैल्यू के लिए है वैलिड एक्सेप्ट एन इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि जैसे ही आपका एन का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा, देखो यहाँ पे माइनस वन प्लस वन, तो फिर आपका ये टर्म आ जाएगा जीरो, तो मेरा जो पूरा टर्म आ जाएगा वो आपका आ जाएगा अनडिफाइंड, तो कोई उसका मतलब बनता ही नहीं है। मतलब ये मेरा फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करेंगे जब एन का वैल्यू कुछ भी हो जाए, एन का वैल्यू माइनस वन ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस फॉर्मूले को वन बाई एक्स डी एक्स के लिए यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है माइनस वन है। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है आपका अलग से, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को आप एक्स स्क्वायर, ये जो आपका था डी एक्स, या फिर वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, या फिर आपका रूट एक्स डी एक्स, इन सब के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, इसके लिए नहीं कर सकते हो वन बाई एक्स डी एक्स के लिए, वो आपका स्पेशल होता है, वो मैं तुमको बताऊंगा आगे। और टी का पावर एन डी टी, तो जहां पे टी था, जहां पे एक्स था वहां टी कर दो, तो टी का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन एन प्लस एक कॉन्स्टेंट हो गया। चलो देखते हैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स, हमने लिखा फाइंड करिए, आपको दिया है कि वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, आपको इसका फाइंड करना है इंटीग्रेशन, तो हमने लिखा बिल्कुल फाइंड कर लेंगे, टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, वेरी गुड, टू कॉन्स्टेंट हमने ले लिया बाहर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखो तो तुम्हारा ये इस फॉर्म में है एक्स का पावर एन डी एक्स, और यहाँ पे एन कितना है, यहाँ पे एन का वैल्यू है टू, यहाँ पे एन का वैल्यू है टू, तो मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला से टू इंटू एक्स का पावर एन प्लस वन, तो एक्स का पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट आप इसमें ऐड कर दो, तो मतलब ये आपका आ जाएगा टू एक्स क्यू बाई थ्री प्लस कॉन्स्टेंट, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, कोई चाप की बात नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मेरे पास है वाई इक्वल टू रूट एक्स, हमको इसका करना है इंटीग्रेशन, तो हमने लिख दिया कि रूट एक्स डी एक्स, देखो तो आप रूट एक्स को एक्स का पावर वन बाई टू डी एक्स भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू वन बाई टू है, सेम फॉर्मूला।
एक्स का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट आप ऐड कर दो। सी तो हो जाएगा एक्स का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 + कॉन्स्टेंट, तो ये आ जाएगा 2 × x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 + कॉन्स्टेंट, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। मन की शांति के लिए आप एक टी वाला भी कर लो, y = t का पावर 3/2, इसका हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन, तो t का पावर 3/2। अब यहाँ पे फंक्शन t का है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी टी। अब देखो तो यहाँ पे n का वैल्यू है 3/2, तो पुट किया तो t का पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2 + 1 और प्लस एक कॉन्स्टेंट, आपका आ जाएगा t का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 + कॉन्स्टेंट, आपका आ जाएगा 2t का पावर 5/2 / 5 + कॉन्स्टेंट हो गया। फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला इज सिमिलर टू डिफरेंशिएशन। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि मेरे फंक्शन में एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टर्म्स का मतलब ये हुआ, और वो आपके माइनस या प्लस कुछ में भी ऐसा हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरा ऐसा रहा y = x²-3x + 2, मेरे को ये दिया है फंक्शन और बोला है कि इसका करो इंटीग्रेशन, तो मैंने लिखा है इसको x²-3x + 2 dx। तो आपके पास इतना फ्रीडम है, आपके पास इतना फ्रीडम है कि आप इनको सेपरेट कर सकते हो, मतलब कि हम लोग सेपरेटली कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x², फिर जो साइन था वो हमने यूज किया माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ 3x, फिर साइन था प्लस, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2, और यहाँ पे हर जगह आप ऐड कर दो dx, क्योंकि आपको करना था इंटीग्रेशन ऑफ dx। आप चाहो तो इससे पहले एक स्टेप, नहीं ठीक है हमने कर दिया एक स्टेप, हाँ आपके आप इसको सेपरेट कर सकते हो, तो इसको मैंने 3 टर्म में सेपरेट कर दिया है। अब आपको सेपरेटली फाइंड करने आता है, पहले केस में n का वैल्यू 2 था, तो x² + 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। अब देखो तो यहाँ पे 3 टर्म है, तो ऐसा 3 टर्म के लिए आपको ऐसा वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको तीनों के लिए कांस्टेंट C1 C2 C3 शो करना पड़े। आप सबका पहले फाइन कर लो, बाद में एक कांस्टेंट आप लिख देना, आपको बस एक कांस्टेंट लास्ट में ऐड करना है, तो हम उसको लास्ट में करेंगे ऐड। तो ये हो गया x² + 2 + 1/2 + 1 माइनस, यहाँ पे 3 था कांस्टेंट बाहर तो मैंने लिया 3 कांस्टेंट बाहर, फिर आपका यहाँ देखो तो एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे x² 1 था, तो हो जाएगा x² + 1 + 1/1 + 1 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स हो गया x, और प्लस आप लास्ट में एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दो। देखो तो ये आपका हो जाएगा x³/3 - 3x²/2 + 2x + c हो गया, दिस इज द इंटीग्रेशन। चलो तुम लोग ये सब कर लोगे, इस टाइप का कि तुमको मेनली फिजिक्स में आता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा टफ आता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा टफ आता है, तो वो जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं वही बताऊंगा। तो चाहता नहीं हूँ कि तुम लोग अभी थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन तुम लोग को हो, तो बेसिक अभी अपना स्टार्टिंग का काम ये सबसे हो जाएगा, बाद में जहाँ पे टफ आएगा मैं वहाँ पे उस क्वेश्चन के लिए बता दूंगा। ये देखो हो गया अपना फॉर्मूला नंबर 4, और ये बिल्कुल तुम्हारे लगभग हर चैप्टर में ये सब यूज आएगा, तो तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो बाद में देखो सब सब लोग इसको लेता है हल्के में, ये तो मैथ है फिजिक्स सही नहीं, तो ये नहीं करोगे तो फिर तुमको आगे हर चैप्टर में ही तकलीफ होगी। चलो नेक्स्ट नंबर 4, तो मैंने कहा था कि वो जो आपका x² n वाला था फॉर्मूला, वो n = -1 के लिए वैलिड नहीं था, तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला 1/x dx, मतलब x² - 1 के लिए इसका होता है इंटीग्रेशन log base e x, log base e x, ये तुम लोग याद रखना log base e x एट प्लस कॉन्स्टेंट, तो 1/x का होता है इंटीग्रेशन log base e x। और कुछ जान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin θ d θ, या आप इसको चाहो तो sin x dx भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin θ is -cos θ प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ आपका हो जाएगा -cos x + c, इंटीग्रेशन ऑफ sin θ is -cos θ, इंटीग्रेशन ऑफ cos θ is sin θ, एक कॉस एक्स ले लो, cos x dx। हमने जब सीखा था डिफरेंशिएशन तो वहां पे साइन वाला ये जो है वहां साइन वाला कहानी थोड़ा उल्टा था, वहां पे था डिफरेंशिएशन ऑफ sin θ इज cos θ,
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका उल्टा हो गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस। तो जब हम लोग कॉस का करते हैं डिफरेंशिएशन तो हमको मिलता है माइनस साइन, लेकिन हम जब साइन का करते हैं इंटीग्रेशन तो हमको मिलता है माइनस साइन। तो तुम लोग ये सब बातें याद रखना। अगर तुमको डिफरेंशिएशन वाले वाले से कुछ याद हो तो मैंने तुमको कहा था कि अगर तुम्हारा वाई का वैल्यू मान लो कुछ ऐसा रहा साइन 2x, वाई का तुम्हारा वैल्यू साइन 2x और तुमको फाइंड करना हो डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने कहा था कि साइन थीटा का लिखना कॉस थीटा, तो यहाँ पे आपका है साइन 2x, तो इसका हो जाता है कॉस 2x। और मैंने कहा था कि इस एक्स में जो मल्टीप्लाई हो उससे तुम कर देना मल्टीप्लाई, तो मतलब इसका आया था 2 cos 2x। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा होता है अलग, मतलब कि आपको अगर करना है इंटीग्रेशन साइन 2x dx तो इसमें जो हमने सीखा है फॉर्मूला वो तो लिखेंगे ही माइनस कॉस 2x, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो कॉन्स्टेंट था उससे मल्टीप्लाई नहीं, उसे करते हैं डिवाइड, तो हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2x एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो आप लोग ये याद रखना कि डिफ्रेंसिएशन वाले में हम लोग कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन वाले में हम लोग कॉन्स्टेंट से डिवाइड करते हैं। चलो ये सब बेसिक बातें हो। चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है ना कि अब तुमको वो जो कांस्टेंट एक्स्ट्रा हम ऐड करते थे वो कांस्टेंट आपको ऐड नहीं करना है, और वो कांस्टेंट आपको ऐड नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि आपको इनिशियल कंडीशंस पता होने वाले हैं, आपको इनिशियल कंडीशन पता होने वाले रहते हैं और उनको हम करते हैं पुट इन द टर्म ऑफ लिमिट। यहाँ पे एक तुम्हारा नया टर्म आ रहा है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे मान लो कि मेरा एक y था फंक्शन ऑफ x, तो हमने लिखा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, हमको इसका करना है इंटीग्रेशन, तो हमने लिख दिया y dx, हमने लिख दिया एफ एक्स डी एक्स, हमने यहाँ लिख दिया एफ एक्स डी एक्स, और हमने बोला कि इसका जो लिमिट है इंटीग्रेशन का ये आपका होगा लिमिट a से लेके b तक, ये लिमिट आपका होगा a से लेके b तक। इस a को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इस बी को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। अब यहां पे आपको कांस्टेंट ऐड करने का कोई जरूरत नहीं है, आप जो फॉर्मूला सीखे हो आप उस फॉर्मूला से जो आपका वैल्यू आएगा आप वही लिखना, और उसके बाद हम लोग उसमें लिमिट पुट करते हैं। अब लिमिट पुट कैसे करेंगे वो मैं सिखाऊंगा, लेकिन अब आप इसमें कांस्टेंट एक्स्ट्रा कांस्टेंट ऐड मत करना। जब तक आपको लिमिट नहीं पता हो तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, वहां पे हम लोग कांस्टेंट ऐड करते हैं। जैसे ही मेरे को कंडीशन लिमिट पता चल गया अब हम लोग कॉन्स्टेंट को ऐड नहीं करेंगे। ओके ओके ओके, अब देखो कैसे हम लोग लिमिट के साथ काम करते हैं। तो ये एक मेरे पास फंक्शन था एफ एक्स, जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको एक नया फंक्शन मिला। तो मान लीजिए कि इंटीग्रेशन करने के बाद हमको फंक्शन मिला है उसको मैंने लिख दिया है जी एक्स, तुम लोग इससे कंफ्यूज मत होना एफ एक्स जी एक्स। जैसे मान लो कि मेरा अगर फंक्शन था वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम जब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो हमको मिलेगा 2x, तो ये जो एक्स स्क्वायर था इसको मैंने माना है एफ एक्स, और ये जो 2x था जो हमको मिला है इंटीग्रेशन करने के बाद वो आपका नया फंक्शन है, तो उसको मैंने नाम दिया है जी एक्स। तो इसमें कोई बच्चे देखे ये साला एफ एक्स जी एक्स क्या आ गया, तो तुम लोग कोई कंफ्यूज नहीं होना है, मस्त ये एक अलग फंक्शन है। तो इसको जब मैं करूंगा इंटीग्रेट तो एक नया फंक्शन मिलेगा जी एक्स। अब इसमें आपको लिमिट करना है पुट ए से बी तक, इसका मतलब क्या हुआ देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं पुट अपर लिमिट। ये जो आपका जी एक्स आया है ये होगा फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपका होगा फंक्शन ऑफ एक्स। अब जहां जहां पे एक्स है, जहां जहां पे एक्स है आप वहां पे पुट कर दो बी, जहां जहां पे एक्स है आप वहां कर दो पुट बी, और फिर उसका वैल्यू फाइंड कर लो। अब यूज करो माइनस फंक्शन ऑफ जी एज अ ए, जहां जहां पे एक्स था वहां पे करो पुट ए विथ निगेटिव साइड, और जो तुमको यहां से वैल्यू मिलेगा वो होगा फाइनल वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। समझा हम क्या बोला, अगर नहीं समझा है तो हम जब क्वेश्चन लेके करेंगे तो तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, अभी क्वेश्चन करते हैं तुमको समझ में आ जाएगा। चलो मैंने लिया क्वेश्चन, तुमको किताब में इस फॉर्म में तुमको लिखा हुआ मिलेगा, हालांकि होता भी इसी फॉर्म में है, लेकिन अगर तुमको कोई कंफ्यूजन है तो अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। चलो जैसे मैंने तुमको बोला कि आप करो इंटीग्रेशन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप करो इंटीग्रेशन ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपको लिमिट लेना है एक्स इक्वल टू 1 to 2, आपको लेना है लिमिट एक्स इक्वल टू 1 से 2। तो 1 से 2 है मतलब कि मेरा लोअर लिमिट 1 है, और 2 to 2 है मतलब कि मेरा अपर लिमिट 2 है। तो मैं अब इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स विथ लिमिट, तो 1 से 2 नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट,
ओके अब एक्स स्क्वायर का करो इंटीग्रेशन, तो एक एन का वैल्यू 2 है, तो एक्स का पावर 2+1/2+1, और यहाँ पे ऐसे आप जो लिमिट है वो लिख दो 1 से 2। ओके यहाँ से आपका आ गया x³/3, 1 से 2। अब हमने क्या बोला देखो कि ये था एफ एक्स, ये जो हमको मिला है x³/3, ये आपका हो गया जी एक्स, देखो ये आपका हो गया जी एक्स। अब इसमें जहां जहां एक्स है वहां करो पुट अपर लिमिट का वैल्यू मतलब 2, देखो जहां पे एक्स था वहां मैंने पुट किया 2, तो 2 का पावर 3/3, तो ये मेरा हो गया काम ऑफ अपर लिमिट। अब कर दो यहाँ पे यूज माइनस साइन, माइनस जहां जहां पे एक्स है वहां करो पुट लोअर लिमिट, तो 1 का पावर 3/3, अब इसको सॉल्व कर लो देखो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 8/3 - 1/3 = 7/3, एंड 7/3 इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। आप समझे, जल्दी से इसका फाइंड करो इंटीग्रेशन। अब देखो ये अपना है डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमको लिमिट पता है तो मैं कांस्टेंट ऐड नहीं करूंगा जैसे मैंने ये किया है, जल्दी से 2 मिनट का समय है सॉल्व करो। चलो तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो सबसे आसान तरीका कि इन सबका आप सेपरेटली फाइंड करो इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ t² dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt, एक साथ भी तुम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ इसको सेपरेट कर लो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, सबका लिमिट होगा 0 से 2 तक, 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, तो इसका आ गया t³/3, 0 से 2 माइनस, माइनस साइन था यहाँ पे, -3, कांस्टेंट बाहर आ गया, t का हो जाएगा t²/2, 0 से 2, तुम लोग फॉर्मूला पुट करके चेक कर लेना, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, dt का t 0 से लेके 2 तक। अब देखो तो सारे में मेरा t है, सब में ही मेरा क्या है t इंक्लूडेड, और सबका लोअर लिमिट 0 था, सबका लोअर लिमिट 0 है, मतलब जैसे ही मैं लोअर लिमिट में 0 पुट करने वाला हूँ मेरा वैल्यू आ जाएगा 0, मतलब खाली आपको यहाँ पे काम करना है अपर लिमिट से। तो आप सिंपल कह सकते हो कि जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे अपर लिमिट, तो आ जाएगा 2 का पावर 3, 8/3 - 0 - 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2/2 - 0 + 2, और 2 - 0, तो यहाँ से आ जाएगा 8/3 - 3 * 4/2 = 4, 8/3 - 6 + 4, इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन।